मैंने कोशिश की है, ये जो बंदे का वीजा आया है ना गुरुदेव सिंह का, ये मेरे घर के बिल्कुल पास रहता है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइड कर दूंगा कि अगर आप 6 महीने रुक के वीजा डालते हो, पर भी लगा दूंगा, ये देख लो कब का। एक ही कंडीशन है, अगर आपके पास ये देख सकते हो। सो गाइस यार, सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का। तो मैं तो वेलकम बैक बोलना भी भूल गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा यार, मतलब खुशी है ना, बस ये खुशी ऐसे ही आप लोग बनाए रखना। आप लोगों के जितने भी आज ये वीज़े आए हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि भाई जैसे जैसे न्यूजीलैंड वीज़े दे रहा है, मतलब मैं खुद कई प्रोफाइल पर तो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, तो उन्होंने फिर भी बोला कि आप अप्लाई करो, और वीज़े सच में आ गए यार। मतलब मेरे को, मैं सच में हैरान हूँ यार, न्यूजीलैंड ऐसी ऐसी प्रोफाइल पर वीज़े बांट रहा है, मतलब क्या ही कहने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आज इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। टॉपिक है, आज मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊँगा जिसके कारण लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हमारे भी आज 2 रिफ्यूज़ल आए हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, 4 वीज़े भी आए हैं। ठीक है, ये मैं कल और आज की बात कर रहा हूँ, ये 2-3 वीज़े मुझे आज सुबह सुबह लोगों ने भेजे हैं। और मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड का वीज़ा पता, जब हम सोए होते हैं ना सुबह, तब तक मेल पे आया होता है। तो कुछ बंदों को जो इधर नज़दीक के जिनके वीज़े आए हैं, उनको आज मैंने बुलाया है, तो अभी वो कह रहे हैं कि शाम तक आ जाएंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अगर वो आज शाम को आ गए तो वीज़ा आपको, वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको अगेन, सबसे पहले तो यार थैंक यू आप लोगों का, जो लोग मेरे को 200 200 रुपए डालकर मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और जो मेरे पे भरोसा जता रहे हैं। ठीक है, लेकिन यार मैं अगेन बता दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। रिफ्यूज़ल आना है तो भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा, वीज़ा आएगा तो भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा। ठीक है, मैं तो आपके डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको दे देता हूँ, या अगर आप लोगों ने मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाना है तो भी मैं रेडी हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कनाडा का भी वीज़ा आ गया है एक बंदे का, लेकिन वो बंदे को बुलाया है हमने, वो आएगा फिर वीडियो बनाएंगे उसकी। तो ये भाइयों देख लो, ये 4 वीज़े हैं, वो बाकी के वीज़े बाद के हैं। ये देख लो भाई, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ना मैं डेली पुराने वीज़े दिखा देता हूँ, कहते हैं कि भाई पूरा वीज़ा मैं दिखाता नहीं हूँ। भाइयों यार आप बताओ मुझे, मैं किसी का वीज़ा पूरा क्यों दिखा दूँ? हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, लो ज़्यादा ही बात है तो ये 2-3 वीज़ों के मैं आपको पहले, ये लो मैं आपके सामने ही मोड़ रहा हूँ, बंदे की अपने डिटेल क्यों शेयर करनी है, ये देख लो भाई, मैं ये स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, ये देख लो कब का वीज़ा आया हुआ है। 24 जून, आज सुबह ये वीज़ा आया है, और ये देख लो भाई, इसका भी दिखा देता हूँ अपने, वो बात नहीं है भाइयों, आपको ये देख सकते हो। ठीक है, मैं सबके ही दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये कल आया है, ये भी दिखाई देता हूँ। ये देख लो, ठीक है, अभी तो खुश हो आप लोग। हालांकि मैं वीज़ा मुझे दिखाना नहीं चाहिए, मैं सब शॉर्टकट इसलिए दिखाता हूँ भाई, यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है किसी का वीज़ा दिखाना, लेकिन मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखो ये 4 वीज़े हैं आज और कल के। ठीक है, अब मैं आपको पुराने वीज़े दिखा देता हूँ, ये पड़े पुराने वीज़े, जो लोग कहते हैं ना कि मैं उन्हीं वीज़ों को, हालांकि ज़्यादा बंदे नहीं हैं, ये पुराने वीज़े हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, ये फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा है, ये सब पुराने वीज़े हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, 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 ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है,
तो नहीं सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है, ठीक है, ये पुराने हैं इसलिए मैंने इनको इधर रख रखा है, ये देखो। और कुछ हमारे पास है कनाडा का, ये यूके का, ये कनाडा का, और ये चेक रिपब्लिक का, और ये यूके का, ठीक है। तो ये वीज़े तो यार जो बंदे देखो जिनके पासपोर्ट पे वीज़े आए हैं उनको मैंने इधर बुला लिया है भाई, अब 2-3 दिन उनको लगेंगे यार। एक्चुअली मैं बुलाने को मैं इन बंदों को भी बुला सकता हूँ, लेकिन बहुत दूर दूर से हैं। एक बंदे कर्नाटक से, एक मुंबई से, और कुछ पंजाब से, और मैं राजस्थान में रहता हूँ। तो अभी मैंने कोशिश की है, ये जो बंदे का वीज़ा आया है ना गुरदेव सिंह का, ये मेरे घर के बिल्कुल पास रहता है, ये भाई अपने पास कल आ जाएगा, और या आज दोपहर को उसने 4 बजे का बोला है ट्रेन में आ जाएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं, अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो मैं 200 रुपये मेरी फ़ीस है बात करने की। किसी को कोई भी डाउट आपका है, ये मेरा QR कोड है, अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, आपको अपनी फ़ाइल के बारे में डिस्कस करना है। बहुत सारे लोग हैं 200 रुपये डालकर मेरे से फ़ाइल डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अभी आपकी फ़ाइल वीज़े के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको ये करना है, तो 2-3 महीने के बाद आप अपनी फाइल डालोगे तो आपके वीज़ा आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइड कर दूंगा कि अगर आप 6 महीने रुक के वीज़ा डालते हो, या आपकी वीज़ा अभी आपका आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों में एजेंटों ने बहम बिठा रखा है, वो फ्रेश पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया के वीज़े, भाई कल मेरे को 2 बच्चों ने रिफ्यूज़ल लेटर भेजा है भाई, उन मेरे को समझ में नहीं आती है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करने में हिम्मत कैसे आती है। मतलब ठीक है यार कि भाई 2-4 देश आप घूम के, फ्रेश पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देता है, एक ही कंडीशन है, अगर आपके पास ब्लड मतलब कोई रिलेशन में उधर रह रहा है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं देगा, ये बात आप दिमाग में रख लो। थोड़ा बहुत ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, ऐसे ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं। हाँ, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रियों के अगर इसमें भी ये वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी जॉब है, या आपके पास एक अच्छा बिजनेस है, आपके खाते में पुराना फंड पड़ा है, तो आप यूके का, शेनेगन की कंट्री का, और मैं बता दूं न्यूजीलैंड के वीज़े, ये जो चारों वीज़े हैं ना, इसमें से एक बंदा सिर्फ 3 कंट्री ट्रेवल था, बाकी ये चारों बंदे जिनके न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं, ये फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं, ठीक है, और कोई इनके अकाउंट में लॉन्ग टर्म फंड नहीं था। एक लड़की का वीज़ा आया है, मतलब मैं हैरान हो गया यार, मतलब उसको मैंने मना कर दिया था कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, तो भी एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, मतलब उसका 15 दिन पहले ही उसने बिजनेस रजिस्टर्ड किया था, तो भी उसका वीज़ा आ गया, ठीक है। तो आज का वीडियो है, मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि आप लोगों को आप मतलब आपको ध्यान में रखना है, और जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, 1 by 1 करके आपको 5 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, हाई रिस्क कंट्री है, यानी कि यू आर फ्रॉम हाई रिस्क कंट्री।